स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आज के मौसम समाचार में। आपको बता दें मौसम को लेकर अभी भी उत्तर प्रदेश से एक अपडेट निकल कर आ रही कि यूपी में आंधी और बारिश को लेकर मौसम विभाग का फिर अलर्ट। जाने इस हफ्ते मौसम कैसा रहने वाला है, तो चलिए जानते कि आज किन किन जिलों में फिर आंधी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, एंड तक देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि यूपी में मौसम के बदलने से गर्मी से राहत तो मिल गई, लेकिन कहीं कहीं ये आफत भी बन रही है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में आपको बता दें कि कुछ समय पहले हुए मौसम में बदलाव की वजह से धूल भरी आंधी और गरज चमक के साथ हुई बारिश से आपको बता दें इसकी वजह से कई जगह पेड़ गिर गए, कई दीवारें गिर गई, जिसकी वजह से जान माल का नुकसान भी हुआ। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार आपको बता दें आज से दो दिनों तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा, ये जानकारी दी है। मौसम विभाग के अनुसार आपको बता दें आज के बाद भी यूपी के कई जिलों में धूल भरी आंधी और गरज चमक के साथ हल्की से भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें ऐसे में इस हफ्ते भीषण गर्मी और लू से राहत मिलेगी। दूसरी तरफ यूपी के अलग अलग शहरों में वायु प्रदूषण सूचकांक अच्छा से मध्यम श्रेणी में है। चलिए आपको बता दें कि इस हफ्ते मौसम कैसे रहने वाला है कुछ जिलों का, ये जान लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आज से आपको बता दें कि आसमान में यहां भी बादल छाए रहेंगे, गरज चमक के साथ बिजली चमकने का अनुमान है। धूल भरी आंधी चलने के भी आसार हैं। बादल आपको बता दें कि कुछ जगह पर छाए रहेंगे, भारी बारिश हो सकती है। अगर बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी में अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आज से आपको बता दें कि दो दिनों तक आसमान में आंशिक रूप से बादल यहां भी छाए रहेंगे, धूल भरी आंधी चलने और गरज चमक के साथ भारी बारिश होने का अनुमान है। आपको बता दें उसके बाद भी हल्के बादल देख सकते हैं। इसी बीच अगर बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज में अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पूरे हफ्ते आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे, धूल भरी आंधी चलने और गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की यहां भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अगर बात करें कानपुर की, तो कानपुर में अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आज से आपको बता दें यहां भी दो दिनों तक आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे, इस दौरान धूल भरी आंधी चलने और गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना यहां भी है। अगर बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर में अधिकतम तापमान 39 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आज से दो दिनों तक आसमान में आंशिक बादल यहां भी छाए रहेंगे, गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। अगर बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या में अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आंशिक रूप से आसमान में यहां भी बादल छाए रहेंगे, गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की यहां भी संभावना है। अगर बात करें मेरठ की, तो मेरठ में अधिकतम तापमान 39 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसमान में आंशिक रूप से बादल यहां भी छाए रहेंगे, धूल भरी आंधी चलने और गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की यहां भी संभावना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताज़ेतरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।